नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन SCGC डायबिटिक फार्मूला बताऊंगा, जो कि डायबिटीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, शुगर कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसुलिन एक तरह का प्रोटीन हार्मोन है जो कि पैंक्रियास के बीटा सेल से निकलता है। हमारे शरीर में जो शक्कर है उसे हमारा शरीर तोड़ता है और उसे डाइजेस्ट करता है, और फिर उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है, और फिर उसके बाद मैं आपसे बात कर पाता हूँ। तो इस प्रक्रिया को करने के लिए इंसुलिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है, जितना नॉर्मल होना चाहिए उससे बढ़ जाता है। या अगर हमारे शरीर में फैट की मात्रा ज़्यादा है और शुगर की मात्रा काफ़ी दिनों से ज़्यादा रहती है, हम शक्कर काफ़ी खाते हैं, हम ओबेज हैं, हम मोटे हैं, या हमें कोई बीमारी है जिसके कारण इंसुलिन की तो मात्रा उतनी ही निकल रही है बीटा सेल से, लेकिन हमारे जो सेल्स होते हैं जहाँ पर इंसुलिन जाके काम करता है, वो सेल रेजिस्ट हो जाते हैं, मतलब इंसुलिन को भाव नहीं देते, और इंसुलिन फिर अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता, शुगर नहीं टूटता है, जिसके कारण हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। दोस्तों, हमारे शरीर में फास्टिंग ब्लड शुगर, जब आप लगभग 11 से 12 घंटे कुछ नहीं खाते, तो उसके बाद जब आप ब्लड शुगर चेक कराते हैं, तो अगर आपका ब्लड शुगर 80, 85, 90, 100 तक है तो ये नॉर्मल है, लेकिन 100 से ज़्यादा होता है तो फिर आपको डायबिटीज़ है। अगर आप खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद लगभग 1.5 घंटे बाद अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कराते हैं और आपका ब्लड शुगर लेवल लगभग 130 और 140 तक है तो ये नॉर्मल है, लेकिन 140 से ज़्यादा है तो प्री डायबिटीज़ है, और अगर ये 180, 190, 200 से ज़्यादा है तो फिर ये डायबिटीज़ है। दोस्तों, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको बार बार प्यास लगती है और बार बार पेशाब लगती है और बार बार भूख लगती है। आपका वज़न कम होने लगता है, आँखों से आपको धुंधला दिखता है, तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपको बताते हैं कि डायबिटिक है और फिर आपको मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो डायबिटीज़ के लिए आप मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन जब तक लेते हैं तब तक आराम आपको लगता है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो लगभग मैं 3 से 4 साल से अपने क्लिनिक में अपने पेशेंट्स को देता हूँ, और लगभग इसके 70-80% बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। इससे ब्लड शुगर कंट्रोल होता है। आप लगातार ही मेडिसिन लेंगे तो धीरे धीरे जो आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इस कॉम्बिनेशन का नाम है SCGC डायबिटिक फार्मूला। S फॉर शुगर, C फॉर कंट्रोल, G फॉर ग्लूकोज, C फॉर कंट्रोल मतलब शुगर कंट्रोल, ग्लूकोज कंट्रोल डायबिटिक फार्मूला, और इसके अंदर जो मेडिसिन मिली हुई है उसके भी इनिशियल इसी से मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन हैं और वो क्या करती हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसे बना सकते हैं घर पे ही, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसे यूज़ करें, लगातार यूज़ करें, कि जिससे आपका शुगर लेवल कंट्रोल हो और उसके बाद डायबिटीज़ ठीक हो जाए। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ये आपको कहां पर मिलेगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन मिली हुई हैं। तो S फॉर साइजेजियम जम्बोलिकम मतलब जामुन। दोस्तों, जामुन साइजेजियम जम्बोलिकम होम्योपैथी में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है डायबिटीज़ के लिए। अगर आपको बार बार पेशाब लगती है, बार बार भूख लगती है, आप बिल्कुल पतले दुबले हो रहे हैं, आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो लगातार साइजेजियम जम्बोलिकम लेने से शुगर लेवल कंट्रोल होता है। ये होम्योपैथी में तो यूज़ होती ही होती है, आप आयुर्वेदा में भी इसका जिक्र सुनेंगे, जामुन का जिक्र सुनेंगे शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए, डायबिटीज़ को, मधुमेह को कंट्रोल करने के लिए। साइजेजियम जम्बोलिकम इस कॉम्बिनेशन में आपको मदर टिंचर में यूज़ करना है। दूसरी मेडिसिन है S के बाद C फॉर चिरायता। दोस्तों, चिरायता भी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, साथ ही साथ अगर आपको ब्लड शुगर बढ़ा रहता है तो हमेशा शरीर में दर्द सा बना रहता है, तो उसको भी ये ठीक करती है। अगर ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है और साथ ही साथ आपको
फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम बढ़ रही है। मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि किसी किसी का ब्लड शुगर जैसे ही बढ़ता है तो फोड़े फुंसी होते हैं शरीर में, तो उसको भी ये ठीक करती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करती है। और बार बार पेशाब लगती है, बार बार प्यास लगती है आपको, तो चिरायता बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। चिरायता भी आप मदर टिंचर में इस कॉम्बिनेशन में यूज़ करें। अब चलते हैं जी, जी फॉर जिमनेमा। दोस्तों जिमनेमा मोस्टली होम्योपैथी में सिर्फ ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए ही दी जाती है, डायबिटीज़ के लिए ही ये मेडिसिन है। तो जैसे ही आप जिमनेमा लेते हैं वैसे ही ब्लड शुगर डाउन होता है, और साथ ही साथ इसके लक्षण भी वही हैं, बार बार प्यास लगना, बार बार पेशाब लगना, भूख न लगना अच्छे से या भूख बहुत ज़्यादा लगना, साथ ही साथ आपके शरीर में दर्द महसूस होना। तो जिमनेमा भी मदर टिंचर में इसमें मिली हुई है। और लास्ट में सी फॉर सिफ्लिंड्रा इंडिका। दोस्तों सिफ्लिंड्रा इंडिका भी आप मदर टिंचर में ही यूज़ करिए। सिफ्लिंड्रा इंडिका भी डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, ना सिर्फ डायबिटीज़ मेलाइटस, ये डायबिटीज़ इंसिपिडस के लिए भी अच्छी मेडिसिन है। तो आपको बहुत तेज़ पेशाब लगती है, बार बार पेशाब लगती है, और पेशाब की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा लगे, काफ़ी मात्रा में पेशाब लगती है, और पेशाब करने जब आप जाते हैं और उसके बाद जब आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती लगती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी लगती है, भूख बहुत लग रही है लेकिन खाना खाने का मन नहीं लगता, गैस बन रही है, और साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा थकान लग रही है। तो सिफ्लिंड्रा इंडिका बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, और सिफ्लिंड्रा इंडिका भी मदर टिंचर में यूज़ करें। अब ये कॉम्बिनेशन आप कैसे बनाएं, SC GC कॉम्बिनेशन आप कैसे बनाएं, बहुत ही सिंपल है। आप होम्योपैथिक शॉप से साइजम जम्बोलिकम मदर टिंचर, सिफ्लिंड्रा इंडिका मदर टिंचर, जिमनेमा मदर टिंचर और चिरायता मदर टिंचर सभी लेके आइएगा। 30 ml में लेके आइएगा, SBL WSI की लेके आइएगा। उसी होम्योपैथिक शॉप से आप एक 100 ml की खाली CC भी लेके आइएगा। अब आपको करना क्या है, उस खाली CC में ये चारों मदर टिंचर को बराबर मात्रा में मिला देना है। तो आप 20 ml साइजम जम्बोलिकम मदर टिंचर मिलाइए, 20 ml आप जिमनेमा मदर टिंचर मिलाइए, 20 ml आप सिफ्लिंड्रा इंडिका मदर टिंचर मिलाइए, और 20 ml आप चिरायता मदर टिंचर मिलाइए। उसके बाद आप उसका ड्रॉपर लगा दीजिए, ढक्कन बंद कर दीजिए, बस उसके बाद आपको थोड़ा सा इसे हिला देना है। ये बन गया आपका SCGC कॉम्बिनेशन फॉर डायबिटीज़। अब आप इसे यूज़ कैसे करें, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आपको ये जो कॉम्बिनेशन आपने बनाया है उसको आपको 1/4 कप पानी में, और थोड़ा सा गुनगुना पानी हो तो बहुत बेटर है, उसमें 20 बूंद डालना है और उसे आपको पीना है सुबह एक बार, खाली पेट या खाना खाने के बाद, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप अपनी मर्जी से या तो खाना खाने के आधे घंटे बाद ले लीजिएगा या खाना खाने के आधे घंटे पहले ले लीजिएगा। तो नाश्ते के आधे घंटे बाद या आधे घंटे पहले 20 बूंद 1/4 कप पानी में डाल के आप पीजिए सुबह एक बार। ऐसा ही दोपहर में करिए और ऐसा ही रात में करिए। ये मेडिसिन आपको दिन में 3 बार लेना है। ये मेडिसिन आप 5 से 6 दिन तक लेंगे, उसके बाद ब्लड शुगर चेक कराइएगा, आपका ब्लड शुगर थोड़ा सा डाउन होगा, फिर उसके बाद कंटिन्यू करिएगा। ये मेडिसिन लगातार लीजिएगा, लगातार लेते लेते 15 दिन हो गए हैं, काफ़ी ब्लड शुगर आपका कंट्रोल हो गया है। मान लीजिए 200 था खाना खाने के बाद, तो अब लगभग 160 है, और उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे तो 140 130 तक आपका ब्लड शुगर आके कंट्रोल हो जाएगा, उसके बाद ये डाउन नहीं होता है। मेडिसिन आप कंटिन्यू रखिएगा। अगर आप अभी एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं डायबिटीज़ के लिए तो वो आप कंटिन्यू रखिए, साथ में ये मेडिसिन फिर आप 3 बार मत लीजिए, 2 बार लीजिए, सुबह और शाम को। आपको लगे कि ब्लड शुगर लेवल थोड़ा सा ठीक हो रहा है तो फिर आप आधी गोली कर दीजिए, या अगर आप एक एक गोली सुबह शाम ले रहे हैं तो आधी आधी गोली सुबह शाम लीजिएगा ब्लड शुगर की, और साथ में इस कॉम्बिनेशन का भी उपयोग करिए। कुछ दिन तक करने के बाद आपको लगे कि नहीं अब ठीक है तो फिर आधी गोली की और थोड़ा सा कम कर दीजिएगा और मेडिसिन कंटिन्यू रखिएगा। कुछ दिन बाद अगर लगे ठीक है तो फिर मेडिसिन बंद कर दीजिएगा एलोपैथी वाली। और ये मेडिसिन मतलब ये कॉम्बिनेशन आप यूज़ करिएगा, साथ में टहलिए, और खाने में शक्कर बिल्कुल भी ना खाइए।
कुछ दिन तक, लगभग 6-7 महीने तक इस कॉम्बिनेशन को लेने के बाद आप ये देखिए कि आपका ब्लड शुगर कंट्रोल है। अगर कंट्रोल है तो ये मेडिसिन को भी धीरे धीरे कम कर दीजिए। जैसे अगर आप 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 बार ले रहे हैं तो 10 बूंद सुबह शाम लीजिए, उसके बाद 10 बूंद रात में लीजिए। ऐसे करके आप ये मेडिसिन बंद कर सकते हैं, लेकिन बीच बीच में ब्लड शुगर ज़रूर आप चेक कराते रहे हैं। दोस्तों, ये मेडिसिन आपको होम्योपैथिक शॉप में, जैसा कि मैंने बताया, आराम से मिल जाएगी। आशा करता हूँ कि आपकी ब्लड शुगर की प्रॉब्लम जल्द से जल्द ठीक हो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन देगा तो उसको दबाना बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन देगा तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज रिलेटेड वीडियोज लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, नीचे एक शेयर की बटन देगा तो ज़रूर वीडियो को शेयर करिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन है तो जरूर मैसेज करिएगा। दोस्तों, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और मैसेज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।